हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड मॉर्निंग, मैं निहारिका सैनी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारा यहाँ पर टॉपिक चल रहा था आवर्त सारणी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व कर रहे थे। और आज हमारा इस टॉपिक का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले इसका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट भी आ चुका है। आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आपको देखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आवर्त सारणी में न्यूनतम आयनीकरण ऊर्जा किसका है? तो यहां पर आपको आवर्त सारणी में बताना है कि सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा किसकी होती है। तो ये होती है सीजियम की। किसकी होती है? सीजियम की। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सीजियम की क्या होती है? सबसे कम होती है। और सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो होती है हीलियम की। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है, मैक्सिमम होती है हीलियम की और मिनिमम होती है सीजियम की। ऑप्शन आपका बी यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के धात्विक लक्षण यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर या फिर विद्युत धनात्मकता क्रमशः होगी। तो कैसी होती है? तो देखिए, आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक जो लक्षण होते हैं उनमें क्या होती है? कमी आती है, यानी कि घटता है। और जब समूह यानी कि ग्रुप्स में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक लक्षण क्या होते हैं? बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घटता है और बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका ऑक्साइड अधिक क्षारीय है? तो यहां पर बताना है कि किसका जो ऑक्साइड है वो सबसे अधिक क्षारीय है। यहां पर लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम का जो ऑक्साइड होता है वो अधिक क्षारीय होता है, सबसे ज्यादा क्षारीय होता है। अब देखिए, क्षारीय कौन से होते हैं? तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये दोनों आपको याद रखना है। तो यहाँ पर पूछा गया अधिक क्षारीय कौन सा है? तो देखिये, लिथियम यहाँ पर क्या है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों ही कौन से ग्रुप के एलिमेंट है? ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जब हम ग्रुप्स में ऊपर से नीचे जाते हैं समूह में तो क्या होता है? धात्विक गुण बढ़ता है। तो इसी प्रकार से क्षारीय किसके होते हैं? धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो धात्विक गुण बढ़ेगा तो क्षारीय भी अधिक होंगे। तो सबसे नीचे कौन सा है? पोटेशियम है। तो पोटेशियम के जो ऑक्साइड होंगे वो सबसे अधिक क्षारीय होते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में न्यूनतम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लब्धि सबसे कम किसकी होती है? यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो ये होती किसकी? अक्रिय गैसों की। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा, नोबल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि किसकी होती है? तो ये होती है क्लोरीन की। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। अब यहां से आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा आयनीकरण ऊर्जा पूछे तो वो होती है किसकी? हीलियम की होती है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन लब्धि पूछे सबसे ज्यादा किसकी होती है तो ये क्लोरीन की होती है। अगर आपको विद्युत ऋणात्मकता पूछे सबसे ज्यादा तो ये किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। तो तीनों के बारे में आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता होगी। तो देखिए, आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता में कमी आती है या फिर वृद्धि होती है। तो ये होती है बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है जब बाएं से दाएं जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता अधातुओं से डैश होती है। तो बताना है, धातुओं की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो अधातुओं से कैसी होती है? कम होती है, ज्यादा होती है, पहले कम होती है उसके बाद में अधिक होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम होती है। जो धातु होती है, मेटल होती है, उनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो नॉन मेटल से कम होती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fe2+ और Fe3+ में किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है? तो ये हो जाएगी किसकी? Fe3+ की। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब देखिए, Fe3+ कैसे बना? तो जो आयरन होता है, Fe होता है, उसमें से कितने? 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए, यानी कि तब बना ये Fe3+। इसमें से कितने? 3 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए हैं।
तो अब यहाँ पर देखिए विद्युत ऋणात्मकता किसमें ज्यादा होगी, तो इसमें ज्यादा होगी Fe3+ में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित अधिक करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ से आपको याद रखना है जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो प्लस चार्ज के समानुपाती होती है, यानी कि जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उतना ही ज्यादा उसकी क्या होगी विद्युत ऋणात्मकता होगी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में अधिकतम और न्यूनतम गलनांक वाला तत्व क्रमशः है, तो आपको आवर्त सारणी में बताना है कि सबसे ज्यादा गलनांक और सबसे कम गलनांक किसका है, तो यह है किसका टंगस्टन और पारा। ऑप्शन यहां पर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं सबसे अधिक किसका होता है गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, तो ये होता है टंगस्टन का, और सबसे कम होता है पारा यानी कि मरकरी का, तो ऑप्शन यहां पर आपका बी राइट हो जाएगा। और देखिए टंगस्टन और पारा ये तो क्या है धातु है मेटल है, अगर आपको नॉन मेटल यानी कि अधातु में पूछे तो अधातु में सबसे ज्यादा किसका गलनांक होता है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो होता है कार्बन डायमंड का, कार्बन का जो अपरूप है डायमंड उसका होता है, और कम किसका होता है कौन सी अधातु का होता है तो वो हीलियम का होता है, तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए N-N2-N3- में किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो अब यहाँ पर आपको माइनस के लिए पूछा है, तो देखिए प्लस का बिल्कुल उल्टा होता है माइनस के लिए, तो प्लस में क्या होता है जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी उसकी विद्युत ऋणात्मकता होती है, लेकिन नेगेटिव मार्क में ऐसा नहीं होगा, जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें ऐसा नहीं होता, इसमें बिल्कुल उल्टा होता है, जितना कम इस पर चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज होगा उतने ही ज्यादा उसकी विद्युत ऋणात्मकता होती है, तो यहाँ पर किसकी हो जाएगी N माइनस की, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा अधातु है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जल उठता है और इसे पानी में डुबोकर रखा जाता है, तो यहाँ पर आपको देखना है अधातु आपको पूछा गया है धातु आपको नहीं पूछी गई है, तो यह है कौन सा फास्फोरस, ऑप्शन आपके यहाँ डी बिल्कुल राइट हो जाएगा फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी का सबसे जहरीला तत्व कौन सा है, तो आवर्त सारणी का सबसे जहरीला तत्व है प्लूटोनियम, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा प्लूटोनियम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, कौन सा है हाइड्रोजन, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यह आपको याद रखना है यहाँ पर तत्व आपको पूछा है सबसे हल्का तत्व कौन सा है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु तत्व कौन सा है, आपको पहले पूछा था तत्व ओनली लेकिन यहाँ पर आपको पूछा है धातु तत्व, यानी कि आपको मेटल पूछी है धातु पूछी है सबसे हल्की कौन सी धातु है, तो ये हो जाएगी लिथियम, कौन सी है लिथियम, तो यहाँ पर आपको याद रखना है सबसे हल्का अगर तत्व पूछे तो वो हाइड्रोजन हो जाएगा, अगर आपको धातु पूछे तो ये हो जाएगी लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे नोबल धातु कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको नोबल और धातु दोनों पूछे गए हैं, नोबल धातु कौन सी है, तो ये है प्लेटिनम, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस तत्व को गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन होता है यानी कि सब्लिमेशन होता है, तो ये हो जाएगी कौन सा आयोडीन, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जब आयोडीन को गर्म किया जाता है तो ये डायरेक्ट सॉलिड से किस में चेंज होता है गैस में चेंज हो जाता है, और ठंडा किया जाता है तो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होता है यानी कि ऊर्ध्वपातन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवर्त सारणी का प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है, यानी कि जो कि प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और सबसे भारी तत्व है एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा यूरेनियम, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा यूरेनियम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पहला मानव निर्मित तत्व कौन सा है, जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया है वो सबसे पहला तत्व कौन सा है जो कि मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, तो यह है टेक्नीशियम, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा टेक्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्व किस समूह के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं थर्ड ग्रुप में यानी कि तीसरे समूह में, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पूछा गया है समूह यानी कि ग्रुप, अगर आपको पूछा जाए कि पीरियड यानी कि आवर्त कौन से आवर्त में आते हैं, तो लैंथेनॉइड जो होते हैं ये छठवें आवर्त में आते हैं और जो एक्टिनॉइड होते हैं ये सातवें आवर्त में आते हैं, यह भी आपको याद रखना है। और तीसरे ग्रुप में और कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो वो होते हैं स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनियम, एक्टिनियम, ये सभी आते हैं थर्ड ग्रुप में, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
सबसे अधिक क्रियाशील वाला धातु और अधातु तत्व क्रमशः कौन है? तो आपको सबसे अधिक क्रियाशील वाला धातु और अधातु बताना है कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा सीजियम और फ्लोरीन, आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सीजियम क्या होता है? धातु होता है जो कि सबसे अधिक क्रियाशील है। अधातु कौन सा होता है? तो ये होता है फ्लोरीन। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी तत्व या धातु कौन है? तो सबसे भारी आपको तत्व पूछे या धातु पूछे तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा ओस्मियम, और इसका सिंबल क्या होता है? OS इसका सिंबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम घनत्व वाला धातु और अधातु क्रमशः है। तो आपको उच्चतम यानी कि हाई डेंसिटी वाला धातु बताना है और अधातु बताना है कौन सा है। तो ये हो जाएगा ओस्मियम और बोरोन। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। ओस्मियम ये क्या होता है? सबसे उच्च घनत्व वाला धातु होता है। और बोरोन ये क्या होता है? ये उच्चतम घनत्व वाला अधातु होता है, यानी कि नॉन मेटल होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा एलिमेंट तत्व पाया जाता है? तो यह है हाइड्रोजन। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन के बाद में कौन सा है? तो वो है हीलियम। दोनों आपको याद रखने हैं, ये सेकेंड नंबर पर है और हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पर है। नेक्स्ट चलते हैं, मात्र एक तत्व जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो बताना है कि वो कौन सा तत्व है जिसके पास में न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से होते हैं? 1H1, 1H2 और 1H3। यानी कि 1H1 को ही क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन इसको कहा जाता है, और इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम इसको कहा जाता है। तो इसके पास में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, जबकि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम इसके पास में नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की भूपरपट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो आपको पृथ्वी की भूपरपट्टी में पूछा है कि सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, एलिमेंट पाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? ऑक्सीजन। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद में पाया जाता है सिलिकॉन, और उसके बाद में थर्ड नंबर पर पाया जाता है कौन सा? एल्यूमिनियम। अब देखिए, ऑक्सीजन क्या है? तो ये अधातु यानी कि नॉन मेटल है। सिलिकॉन क्या है? तो ये उपधातु यानी कि मेटलॉइड है। और एल्यूमिनियम क्या है? तो ये धातु है, मेटल है। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं, सबसे अधिक ऑक्सीजन, उसके बाद में सिलिकॉन और थर्ड नंबर पर एल्यूमिनियम। ओके, तो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने आवर सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, वो भी पूरी डिटेल के साथ में। और इस टॉपिक का आज हमारी ये थर्ड पार्ट था। इससे पहले इसके दो पार्ट आ चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आपको फर्स्ट और सेकेंड पार्ट भी जरूर देखना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आपकी आने वाली सब भी एग्जाम में से यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।